टीजेबी के प्लेस को इनको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एंड टीसी का कारण यहाँ पे पीछे मुड़ के थोड़ा सा और डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, बट ये दिक्कतों में आ सकते हैं आई गेस। इनको पता नहीं रहेगा कि टीजेबी के मेंबर्स यहाँ पे हैं, क्योंकि जिस तरह से अराउंड यहाँ पे ये कंपाउंड के अराउंड घूम रहे हैं उस तरह से गाइस इनको यहाँ पे नॉक मिल सकता है। अकान ने स्पॉट करा, अकान यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से आगे जाना चाहेंगे, इनको डाउन करना चाहेंगे, ऊपर यहाँ पे मूव इन करना चाहेंगे, ऊपर भी इनका प्लेयर हो सकता है। टीजेबी के प्लेयर्स यहाँ पे एक नेट कुक कर रहे हैं एंड नेट के साथ यहाँ पे डाउन करा देता है। एक यहाँ पे शॉट्स आते हैं, कुछ फायर आता है एकेएम का, अकान गोज डाउन फ्रॉम टीसी एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर टीसी की पूरी स्क्वाड को आना पड़ेगा। टीसी का एक मेंबर को काफी लो ऑन एचपी करा, बेयरली एक एचपी सरवाइव कर रहे थे। टीजेबी के मेंबर्स एक और नॉक निकालते हैं, एलन अंदर आएंगे, एलन यहाँ पे डाउन करके एलन के सामने यहाँ पे 1v2 की सिचुएशन, क्या 1v2 की सिचुएशन में यहाँ पर डाउन कर पाएंगे। टीसी का एक और मेंबर आएगा, एक और मेंबर गाइस एक नॉक निकालते हैं। टीजेबी के लिए दिक्कत आ सकती है, टीजेबी के पास ओनली एक मेंबर रहने वाला, एलजेडी फाइट में आ चुके हैं। एलजेडी पूरी फाइट का यहाँ पे मजा लेना चाहिए, लुत्फ उठाना चाहिए, क्या यहाँ पे एलजेडी हर एक स्क्वाड को यहाँ पे दो करंटली स्क्वाड यहाँ पे अभी रह रही हैं। टीजेबी एंड टीसी इनको डाउन करके यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, बहुत बड़ी एक थर्ड पार्टी यहाँ पे एलजेडी मारे जाते हैं। एलजेडी का एक मोलोटोव, सूखी का मोलोटोव, टीजेबी के प्लेस यहाँ पर डाउन होता है, टीजेबी पूरे डाउन हो चुके हैं। टीसी के पास यहाँ पे काफी अच्छा मौका है कि वो यहाँ से निकल सके, क्योंकि प्लेयर जो पीछे रहने वाले एलन तो यहाँ से निकल चुके हैं, बाकी प्लेयर्स निकलना चाहेंगे एंड जो प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हो चुके हैं गाइस वो प्लेयर्स को निकलने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें, मतलब इम्पॉसिबल है निकलना। इवन यहाँ पर सूखी एक और प्लेयर को स्पॉट करते हैं, हेडशॉट मारते हैं, साथ में बॉडी शॉट मारते हैं, डाउन करते हैं, फिनिश करते हैं एंड पीछे जाके अबे अकैन को भी पूरा फिनिश ऑफ करने की ट्राई करेंगे एंड फर्स्ट जोन में इतना किल्स लेके यहाँ पे ये प्लेयर गाइस काफी अच्छे। आरएसजी मूव इन करना चाहते हैं, नोवा सामने रहेगी, ऑर्डर यहाँ पे स्पॉट करेंगे, काफी लो आरएसजी करते हैं प्लेयर को, उसके बाद यहाँ पे मार के और यहाँ पे डाउन करने की ट्राई करते हैं। डबल डी यहाँ पे रहने वाले, बाकी मेंबर्स गाइस यहाँ पे रहेंगे। ऑर्डर इज गोइंग फॉर द नेड, क्या नेड से यहाँ पे नॉक लिया जाएगा देखने वाली चीज रहती है। डबल डी पे नेड करते हैं, डबल डी भी चले जाते हैं, फोर एम के सुपने ट्रेस किया एंड शो टाइम के एक प्लेयर को बगी से यहाँ पे उतारा, बहुत अच्छा ट्रेस यहाँ पे डीपी से आता है फोर एम सुख की तरफ से एंड सुख यहाँ पे पूरा फिनिश ऑफ करने का ट्राई करेंगे। नोवा यहाँ पे पुश के लिए जाना चाहेगी एंड पुश करके यहाँ पे आर एस जी को इस पर्टिकुलर सर्कल में निकालना चाहिए। डबल डी को नॉक करते हैं, वाई आई एक नॉक निकालते हैं, 4v3 की फाइट नोवा के लिए रहने वाली है, क्या नोवा यहाँ पे एक और नॉक निकालेगी। ऑर्डर जाते हैं, ऑर्डर स्पॉट करते हैं, ऑर्डर को एक नॉक आता है, जिमी यहाँ पे भेज रहेंगे, जिमी को रिवाइव करना पड़ेगा। अगर रिवाइव करने में जिमी सक्सेसफुल हो पाते हैं तो फिर से यहां पे नोवा अच्छा काफी अच्छे तरीके से खेल पाती है, बट आरएसजी का चौन यहां पे क्या करते हैं, नोवा के ऑर्डर को यहां पे फिनिश करते हैं। वाई आई के सामने यहां पे चौन रहेंगे, चौन को बहुत यहां पे लो कर जाते हैं, बट स्टिल पैरा बॉय गाइस आएंगे, पीछे से एसएमजी आ जाती है। आरएसजी यहां पे क्या एक स्क्वाड वाइप यहां पे निकाल सकते हैं, जिमी को डाउन कराया था नेट से, बट पैरा बॉय एक नॉक दे चुका है, पैरा बॉय अनदर नॉक देते हैं पीछे यहां पे इनका एसएमजी का स्क्वाड, एसएमजी हमको थर्ड पार्टी कर सकती है। अगर एसएमजी थर्ड पार्टी करेगी तो नोवा का स्क्वाड यहां पे वाइप आउट हो सकता है। बॉय को फ्लार्सी ने स्पॉट करा, फ्लार्सी ने अपने डीपी का जलवा दिखाया, इनको यहां पर डाउन करा जाता है। आरएसजी यहां पे गाइस काफी अच्छा खेल रहे हैं, जिमी को नॉक करा जा चुका है, वाई आई यहां पे रहेंगे, 4m यहां पे थर्ड पार्टी कर चुका है, नोवा को बाहर निकाला जा सकता है, आरएसजी को बाहर निकाला जाता है, ऊपर से यहां पे एसएमजी भी थर्ड पार्टी करती है। जिमी ने यहां पे एक नॉक को पूरा सिक्योर कर लिया, 4m यहां पे धीरे-धीरे मूव इन कर रही है। आरएसजी के मेंबर्स ने जिमी को पूरा फिनिश ऑफ करा एंड नोवा आईएस यहां पे इस पर्टिकुलर मैच से नंबर 2 स्क्वाड ऐसी बन जाते हैं जो यहां पे बाहर होती है, बट गाइस यहां पे थर्ड पार्टी के ऊपर फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी हो चुके हैं। फोर एम सुख ने डबल डी को नॉक दिया, डबल डी ने पहले यहां पे हसा को नॉक दिया था, हसा को रिवाइव करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यहां पे उसके बाद यहां पे एसएमजी को भी मारना पड़ेगा। एसएमजी क्लियर करते हैं, आरएसजी को पिक फिट आगे आ चुके, अंदर आ चुके कंपाउंड के, हसा की एंड सुख ऊपर रहेंगे, सवार बिल्कुल ऊपर चढ़ चुके हैं, पीछे से आरएमजी की लाइन पे आ चुकी है, दिक्कत है, हो सकते हैं कि फ्लार्सी ने यहां पे हसा को फिर से नॉक किया। सुख का एचपी बहुत कम रहने वाला है, पिक फिट अंदर घुसेंगे, सुख को डाउन करेंगे, सवान यहां पे रहेंगे, सवान एक नॉक तो निकालता है, उसके बाद अब फ्लार्सी आएगा, फ्लार्सी साउंड पर सवान को डाउन करके शिने इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर 4m स्क्वाड एंड इस बंदे को यहां से निकलना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। आरएनजी गाइस यहां पे एसएमजी के ऊपर पुश कर सकती है, बहुत अच्छा यहां पे ये आना चाहते हैं, बट शिने यहां पे बैक आते हैं, ये प्लेयर नेड मारना चाहते हैं, नेड से कितने यहां पे किल सिक्योर कर पाएगा ये मुझे ना, तो एक नेड अंदर जाता है, नेड में भी थोड़ा दूर जाता है एंड इस नेड से यहां पे नॉक तो नहीं मिलेगा, इनको थोड़ा क्लोज यहां पे नेट डालना पड़ेगा एंड अगर क्लोज ये नेट डालते हैं तो उसके बाद यहां पे काफी अच्छे तरीके से नॉक कर सकते हैं प्लेयर्स को। शिने इज गोइंग अपवर्ड, शिने अपवर्ड जाके गाइस यहां पे फिनिश कर सकते हैं पूरे लाइनअप को एंड आरएनजी धीरे-धीरे करके शूज एंड यहां पे 98 के हर एक प्लेयर आगे जाएगा, ऊपर कुछ प्लेयर चढ़ चुके हैं, आरएनजी फुल एग्रेशन में आएगी एंड एसएमजी को वाइप
रिपोर्ट निकाल सकती है। 77 एच दूसरे शर्ट से आते हैं, इनको पता है यहाँ पे कोई प्लेयर रहने वाला है एंड यहाँ पे शैक में अभी दिखना चाहेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 4M के शिने को मारना चाहेंगे। 4M शिने गोज डाउन, 4M गोज डाउन, द फाइट इज बिटवीन SMG वर्सेस RMG। एक नॉक लेने की ट्राई तो करते हैं, 98 के काफी अच्छा यहाँ पे एंगल बना चुके हैं, फ्लावर्स को लो कर चुके हैं, नेड या एक मोलोटोव यहाँ पे दिखने आता हूँ एंड उस मोलोटोव का यूज करके यहाँ पे ये प्लेयर नॉक निकाल के उसके बाद अंदर घुसना चाहेंगे। SMG के XZ को स्पॉट करते हैं, RNG के 77 एच नॉक यहाँ पे निकाल सकते हैं, RNG के स्टारडस्ट को नॉक निकाला, नॉक निकालने वाला प्लेयर यहाँ पे पिक फिट रहता है, एक और प्लेयर को नॉक दिया जा चुका है, ये प्लेयर यहाँ पे RNG को पूरा फिनिश आउट करने वाला 1v3 क्लच अगेंस्ट RNG। IS फ्लावर्सी ने भी एक नॉक निकाला। दूसरी साइड अगर मैं बात करूं WBG वर्सेस TMG की फाइट हो सकती है। ये गाइस कितना अच्छा मैच है, मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करा था कि इस सर्कल में बहुत सारे स्क्वाड क्लोज आ चुके हैं एंड यहां पे फाइट बहुत गंदी हो सकती है, बहुत खतरनाक फाइट हो सकती है। वाई के हाथ में एक नेड, वाई नेड करते हैं, सामने यहां पे टीम रहेगी JD, JD के मेंबर को सपोर्ट कर रहा है, JD के मेंबर से एक नॉक निकालते हैं, वाई के ऊपर वाई गोस डाउन, दो प्लेयर इनमें डाउन होते हैं एंड पूरी SC की लाइन खत्म होते हैं, एक और थर्ड पार्टी अपने को देखने को मिल रही है एंड वो थर्ड प्लेयर यार पार्टी आएगी TEC के साइड से। TEC के मेंबर यहां पे JD को भी बाहर निकाल चुके हैं। क्या इस मैच में हो रहा है गाइस, इवन LGD इज गोइंग फॉर द थर्ड पार्टी एज वेल। ये प्लेयर यहां पे थर्ड पार्टी कर सकते हैं TEC के ऊपर, बट TEC के ऊपर एक भी नॉक अभी नहीं आया है क्योंकि अभी इन्होंने जस्ट एक मेंबर बचा था उस पे थर्ड पार्टी किया, बट LGD के मेंबर हमें स्पॉट करेंगे, डाउन करने की ट्राई करेंगे। सूकी के पास ऑलरेडी 3 किल है, 4 मैन ये स्क्वाड रहने वाला है एंड ये 4 मैन स्क्वाड गाइस काफी अच्छे तरीके से इनको यहां पे डाउन करके जा सकता है आगे। देखना चाहता हूं मैं कितनी जल्दी यहां पे और फाइट्स अपने पास आते हैं। TMG का अजीन स्पॉट करा WBG के मिंगस के आर को, मिंग को एक नॉक आता है, LGD के मेंबर धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, बट TEC के मेंबर आ गए यहां पे निकलेंगे। एक अगर नॉक मिल जाता है So, उसके बाद यहाँ पे TEC के ऊपर पुश कर सकते हैं, स्पॉट करते हैं अच्छे से प्लेयर, नॉक नहीं दे पाते हैं, ये एक चीज यहाँ पे इनके लिए खराब हो चुकी है, नॉक नहीं मिला। बट WBG के सामने स्क्वाड रहेगा अगेंस्ट TMG का, TMG मार के डाउन, Z9 एक नॉक निकाला, Ajay गोज डाउन, उसके बाद यहाँ पे Z9 बाकी मेंबर्स को मारने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये मैच में इतनी सारी फाइट्स क्यों हो रही है आई डोंट नो, सेंटर के राउंड यहाँ पे क्लस्टर बहुत बड़ा बन चुका था। Ajay एक ऐसे मेंबर रहते जो करेंटली यहाँ पे TMG की तरफ से डाउन रहते हैं, Z9 के हाथ में यहाँ पे एक DP रहेगी आई गेस, उनके हाथ में कुछ और भी वेपन थे, बट उससे पहले यहाँ पे एक नेड आएगा, नेड से इनको नॉक करा जाएगा। 3v3 फाइट बिटवीन TMG एंड WBG, कौन सी स्क्वाड यहाँ से निकाल सकते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी गाइस, उसका फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी एंड यहाँ पे एक और पार्टी होने वाली है। यहाँ पे TC गाइस इस फाइट को वॉच कर रही है, ये डाउन कर सकते हैं, स्पॉट करते हैं यहाँ पे मेंबर्स को, डाउन करने के लिए अंदर आते हैं, नॉक देते हैं, मिंगस क्या डाउन गोस एज वेल, वे चाहे एक नॉक निकालते हैं TMG के मेंबर्स पे, बट गाइस यहाँ पे काफी अच्छी एक और मेंबर नॉक निकालते हैं, TEC के मेंबर्स आएंगे, जनरल हमें स्पॉट कर रहे हैं, जनरल ने नॉक देने की ट्राई करी और जनरल को भी यहां पे नॉक आएगा काफी अच्छे तरीके से। ये TEC इस बात का फायदा उठा के यहां पे इन दोनों स्क्वाड्स को बाहर निकालते हैं। 4 में स्टैंडिंग स्क्वाड रहने वाली है, वेजाय ऊपर रहेंगे, अकेला मेंबर आईएस WBG के लिए अभी रहेगा वेजाय एंड अगर वेजाय को स्पॉट करते हैं, बट स्पॉट करना चाहेंगे ईगल, सामने जो मेंबर रहेंगे TMG के, सो TEC यहां पे काफी अच्छे तरीके से मैच निकाल रही है एंड आई गेस यहां पे किल्स पे किल्स निकालना चाहेगी एंड ऊपर जाके WBG के वेजाय को मारना चाहेंगे। बट SMG जिन्होंने ये चीजें स्टार्ट करी थी वो प्लेयर भी इनके क्लोज आ चुके हैं, फाइट को यहां पे वॉच कर रहे हैं। SMG के पास 3 प्लेयर होंगे, TEC के ईगल आगे जाना चाहते हैं, WBG के वेजाय ने स्पॉट करा TMG के मेंबर्स को, डाउन करा, TMG गोज डाउन, WBG भी थोड़े टाइम में बाहर हो सकते हैं क्योंकि सामने यहां पे इनके 3 मेंबर रहेंगे एंड ये 3 मेंबर यहां पे एक साथ घुस के WBG के वेजाय को बाहर निकाल सके। क्या वेजाय यहां पे क्लच कर पाएंगे, नेड करा जाता है, नेड से बहुत लो ऑन HP करा जाता है, स्पॉट करने की ट्राई तो कर रहा है ये प्लेयर, क्या यहां पे डाउन कर पाएगा या फिर खुद डाउन होने जा रहा है, ये मैं गाइस देखना चाहता हूं। क्या अपने को एक और थर्ड पार्टी यहां पे इस पर्टिकुलर मैच में मिलेगी या फिर गाइस यहां पे ये मैच अभी थमने वाला है क्योंकि ये जस्ट फोर्थ सर्कल है, ये जस्ट फोर्थ सर्कल है, वे चाहे यहां पे पुश कर सकते हैं बट घुसेंगे प्लेयर, मारेंगे प्लेयर, हेडशॉट देंगे, डाउन करेंगे, WBG डाउन होती है, पूरी खत्म होती है वे चाहे के साथ। द फाइट इज बिटवीन 6 स्क्वाड एंड 18 मेंबर्स ओनली, फोर्थ सर्कल गाइस अभी क्लोजिंग हो रहा है, इतनी ज्यादा फाइट्स अपने को देखने को मिली, थर्ड पार्टीज एंड फोर्थ पार्टीज, फिफ्थ पार्टी, भाई कौन सी पार्टी हो रही है।
BTR का बैड फॉर्म, इट्स ओके, नोवा चिकन निकालेगी, नोवा ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है, ऐसा नहीं फ्लावर्स एंड तिनमा के मेंबर्स को नॉक किया एंड तिनमा के मेंबर्स को पूरा पूरा फ्रेश करना चाहेंगे, इवन तिनमा के लिए दिक्कत आती है। शॉर्ट टाइम के दचौन भी एक नॉक लेते हैं एंड साथ में यहाँ पे SMG वाला यहाँ पे जो प्लेयर रहता है अपना फ्लावर्स ही वो नेड कुक कर रहा है एंड इस नेड के कुक के साथ गाइस यहाँ पे तिनमा खत्म हो चुके हैं, तिनमा के मेंबर्स के ऊपर नेड जाता है, नेड से एक नॉक मिलता है एंड साथ में SMG के फ्लावर्स यहाँ पे शॉर्ट टाइम के प्लेयर्स के ऊपर भी एक नेड से नॉक निकालता है। फ्लावर्स इस मैच में कितने किल कर पाएगा गाइस फटाफट से प्रेडिक्ट करो, आई गेस यहां पे 6 किल ऑलरेडी कर चुका है, SMG 10 किल्स निकाल चुके हैं, काफी तरीके से शॉर्ट टाइम के लिए जो डाउन किया था उनको यहां पे फिनिश करता है। फ्लावर्स के पास अकेले आते हैं 7 किल को ये क्या यहां पे 10 प्लस किल्स कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, अकेला प्लेयर शॉर्ट टाइम के दचौन ऊपर रहते हैं, दचौन गाइस यहां पे डैमेज डील करते हैं, एलजेडी के मेंबर्स ने स्पॉट करा, एलजेडी यहां पे पुश करने के लिए जाएंगे बट एक मेंबर इनका अपना ही कुचल चुके हैं गाड़ी से एंड गाइस रैन ओवर करके अपने मेंबर को मारा बट एलजेडी यहां पे निकाल सकते इस फाइट को इजीली, एलजेडी के पास यहां पे एडवांटेज रहता है स्टिल, कुछ प्लेयर यहां पे रिवाइवल के लिए जाएंगे एंड लास्ट को मार के यहां पे खत्म कर जाएंगे, जो ऊपर बंदे प्रेडिक्ट करते हैं कि TEC जीतेगी, TEC विल नॉट विन क्योंकि एलजेडी के लिए एक नेट मारेंगे, इनका यहां पे काम तमाम करेंगे बट SMG के फ्लावर्स यहां पे स्पॉट करते हैं, एक और मेंबर को नॉक देते हैं, एक और मेंबर को यहां पे डाउन करते हैं, 2 किल और 9 किल्स इन टोटल, 10 प्लेयर अभी जिंदा, शॉर्ट टाइम के दचौन एंड शॉर्ट टाइम के 99 सामने रहेंगे टीसी के एलन, क्या टीसी के एलन को डाउन करेंगे, स्पॉट करते जाते हैं, डाउन करने आते हैं एंड डाउन करेंगे बट गाइस दूसरे प्लेयर ने यहां पे बहुत ज्यादा डैमेज दिया, दचौन पीछे से आएंगे, दचौन इनको भी यहां पे नॉक करेंगे, फिनिश करेंगे एंड एलन के साथ यहां पे टीसी इस पर्टिकुलर गेम से यहां पे बाहर हो चुके हैं। फ्लावर्स ही आगे जाना चाहते हैं, शो टाइम के 99 इनके सामने रहेंगे, एलजेडी के मेंबर्स धीरे-धीरे यहां पे मूव कर रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, क्या गाइस यहां पे डाउन करा जाएगा, क्या यहां पे डाउन कर सकते हैं ये प्लेयर, शो टाइम के दचौन एंड शो टाइम के 99 यहां पे डुओ रहता है एसटी की साइड से, एसटी वाले यहां पे भी जीत सकते हैं, एसटी की टीम भी बहुत एग्रेसिव खेलती है एंड क्लोज रेंज फाइट में काफी अच्छे तरीके से इन प्लेयर्स को डाउन कर सकती है। पिकफिट के पास भी SMG, पिकफिट के पास भी रहेगी गन, फ्लावर्स से ना नॉक करा, फ्लावर्स ही यहां पे एक और नॉक निकाल चुके हैं, साथ में यहां पे इनके सामने एक और प्लेयर रहने वाला है, उसके साथ ही फायर करेंगे एंड इनको डाउन करके ट्राई करेंगे, ट्राई करी गई थी बट उसी के साथ यहां पे 99 को पीछे से प्लेयर आएगा, इनको फिनिश करा, फ्लावर्स के पास गाइस यहां पे 10 किल्स हो चुके हैं, इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि एलजेडी XZ के हाथों में यहां पे कमान रहेगी, 2 नेड 3 नेड यहां पे एलजेडी के प्लेयर्स यहां पे कुक करने आते हैं, एलजेडी इस मैच को जीत सकती है काफी अच्छे तरीके से। फ्लावर्स के पास हेल्थ नहीं रहती है, पिकफिट यहां पे आगे जाता है, पिकफिट को नॉक करते हैं, एलजेडी ऑन फायर, एलजेडी यहां पे निकालते हैं, क्या फ्लावर्स यहां पे डाउन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, 10 किल के साथ इनको जाना पड़ेगा, एलजेडी के लिए आगे जाएंगे, यहां पे XZ को पूरा फिनिश ऑफ करेंगे एंड डाउन करेंगे एंड गाइस इसी के साथ यहां पे एलजेडी